हेलो नमस्कार, मैं हूँ वैभव भला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीधी बात के एपिसोड में। और इस बार हमसे सीधी बात करने आए हैं हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार, जो कि अपनी इंटेलिजेंसी के लिए बहुत फेमस हैं और इनसे बड़े बड़े कॉमेडियंस इनसे बड़े बड़े नेताओं भी खौफ खाते हैं। और इनका नाम है पप्पू गांधी। और बताइए पप्पू जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका पप्पू जी हमारे इस सीधी बात के शो में। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए बिना वक्त गवाए पूछते हैं आपसे पहला सवाल। तो पप्पू जी, जो ये माहौल बना हुआ है CAA को लेकर, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, CA जो है बहुत ही अच्छा कोर्स है और मेरे मुताबिक हर घर में एक CA तो होना ही चाहिए, जो कि GST-VST भी फिल कर दे और रिटर्न रिटर्न भी भर दे। जो मोदी जी ये लाए हैं, ये कोर्स काफी अच्छा कोर्स है मेरे ख्याल से। अरे नहीं नहीं पप्पू जी, शायद आप इस कॉन्सेप्ट को समझे नहीं। ये CAA जो कानून बना है ना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, जो CA है उसी को एडवांस कर दिया गया है, उसमें एक और पेपर को ऐड कर दिया गया है, तो वो CAA बन गया है। ओ अच्छा, जो ये विरोध हो रहा है ये के पेपर को हटाने के लिए हो रहा है। अब जो कमजोर बच्चे हैं वही तो विरोध कर रहे हैं, जो पढ़ने में तेज हैं वो तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं इसका। मेरे मुताबिक हर परिवार में CA तो होना ही चाहिए। अच्छा छोड़ो, आप ये बताओ NRC के बारे में आपका क्या विचार है? जो NCR है, लोग इसे कह रहे हैं कि इसको बुलंदशहर तक कर दो और इसको अलवर तक कर दो। अरे सब कर देंगे भाई, पहले हमको प्रधानमंत्री तो बनाओ। अरे पप्पू जी आप समझे नहीं, चलो छोड़िए, आप ये बताओ अगर आप अपने देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप अपने देश के लिए क्या करोगे? आप देश के लिए क्या करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि एज अ यंग इंडियन आपको देश के लिए कुछ करना हो तो आप क्या करेंगे? सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप मुझे आंसर दोगे ना, आप तो मुझे ही पूछ रहे हो। देखिए, मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो कि मैं अवश्य बनने जा रहा हूँ, मेरे क्या क्या प्लान्स हैं अगर मैं आपको बता दूंगा सारे प्लान्स तो मेरे प्लान्स लिखने हो जाएंगे। भाई साहब ये पॉलिटिक्स है, बहुत दिमाग चलना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा तो आप ये बताइए, जिस प्रकार गुजरात में विकास हुआ है, क्या आप भी वैसा विकास कर पाएंगे हमारे पूरे भारत पर? आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात को किसने खड़ा किया है? गुजरात को किसने बल दिया है? गुजरात को अमूल किसने दिया है? इस तरफ देखिए, गुजरात को दूध इन औरतों ने दिया है। अगर मुझे भी इनका साथ मिला, मैं भी जरूर अवश्य ऐसा काम कर पाऊंगा। अच्छा तो पप्पू जी, जो मोदी जी अपने कार्यकाल में योजनाएं लाए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मोदी जी जो हैं काफी योजनाएं लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका मैं भाषण सुन रहा था तो एक योजना है नारेगा, उसके बारे में उन्होंने बोला कि बहुत ही बेकार योजना है ये। ठीक है, माफ कीजिए, मगनरेगा योजना। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी, थोड़ा ताली बजा दीजिए ना। नहीं नहीं, क्या कष्ट हो रहा है आपको, ताली बजा दीजिए ना। अरे नहीं नहीं पप्पू जी, आप तो बुरा मान गए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए। अच्छा तो पप्पू जी आप ये बताइए, आप पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम लगा पाएंगे? देखिए, पहले पेट्रोल और डीजल $130 प्रति बैरल हुआ करता था और अब ₹30 प्रति बैरल हुआ करता है। गलती हो गई, आई एम सॉरी भैया, मैं RSS का नहीं हूँ, गलतियाँ करता हूँ, आई एम सॉरी। तो मैं इस पर लगाम लगा पाऊंगा, बेशक लगा पाऊंगा। अच्छा तो देखिए दर्शकों, जैसे कि हमारे पप्पू जी ने बताया है, वह बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोलों पर लगाम लगा पाएंगे, तो अब हम भी देखते हैं वह कितना लगाम लगा पाते हैं। अच्छा तो पप्पू जी आप ये बताइए, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए आपके पास क्या स्कीम्स हैं? देखिए, मैंने अपने किसान भाइयों से बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि हमारी जो ज़मीन है इस पर फसल नहीं उग रही है, खेती नहीं हो पा रही है। तो उनको मैंने बोला कि देखो, वो चांद है, उस पर मैं उनको ज़मीन लेके दूंगा, उस पर हम खेती करेंगे और जब हमारी फसल होगी उसको हम दोबारा इंडिया में लेके आएंगे। फिर मैं एक मशीन लगाऊंगा, उस मशीन में क्या है, हम यहाँ से आलू डालेंगे, सूरा निकालेंगे, आलू डालो सूरा निकालो। इतने पैसे बनेंगे इससे कि हमारे भाई परेशान हो जाएंगे कि करना क्या है इन पैसों का। ये मेरी स्कीम है। अच्छा तो पप्पू जी, आपने मध्य प्रदेश में हमारे किसानों भाइयों से कहा था कि अगर आप वहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप उनका सारा कर्जा माफ़ करा देंगे, पर आपने वैसे तो बिल्कुल नहीं करा। देखिए, आज मैं आपसे नियम और कानून के बारे में बात करूँगा। हमारी जो पार्टी है वो एक संगठन है और शायद पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है ये। हमारी पार्टी में जो नियम और कानून है वो हर 2 मिनट में बनते हैं और पुराने नियम को हम तोड़ देते हैं।
शायद हमारी पार्टी को नहीं पता कि हमारे नियम और कानून हमारी पार्टी के क्या हैं, तो ये इसका कारण है। अच्छा तो पप्पू जी, मोदी जी ने एक भाषण में कहा था अगर आप विश्वेश आर्य जी का नाम 5 बार बोल दें तो आप भी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। चलिए छोड़िए, आपसे नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि आपको युवा कार्यकर्ता के नाम से घोषित किया गया है और आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे युवा मंत्री भी हैं, तो क्या आप उनके साथ खुश हैं? आप ये हमें बता सकते हैं? अगर आप हमारी पार्टी के युवा कार्यकर्ता के बारे में बात करें, अगर आप हमारी पार्टी के महिला कार्यकर्ता के बारे में बात करें, तो पहली बार उन्होंने कहा कि भाई मज़ा आया, और मैं जो ये मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो जैसे कि बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में 35 लाख युवा बेरोजगार हैं, और ये राजनीतिक सवाल नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। हिंदुस्तान को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। और मोदी जी, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, लेकिन मेरे अंदर आपके लिए इतना सा भी क्रोध, इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी कुछ भी नहीं है। इस हिंदुस्तान को हम सब ने मिलकर बनाया है, और आपको भी हम सब के साथ चलना पड़ेगा मिलकर। धन्यवाद, नमस्कार। अरे पप्पू जी, अरे सुनो, चलिए छोड़िए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये थे हमारे पप्पू जी, जो कि इस बार के इलेक्शनों में लग चुके हैं पूरे जोरों शोरों की तैयारी से। पर हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा, क्या होगी मोदी की सरकार फिर एक बार, क्या अच्छे होंगे आपके 5 साल, लगे रहेंगे केजरीवाल, या फिर हमारे पप्पू जी इस बार भी पास हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, 8 तारीख को वोट देना मत भूलना, आप जिस मर्जी का वोट दो पर वोट जरूर जाना। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना। बाय बाय।